तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई तुम्हें प्रेम करता है? तुम एक महिला एक पुरुष के प्रेम में पड़ते हो, क्या तुम सही सही बता सकते हो कि इस महिला ने तुम्हें क्यों आकर्षित किया? निश्चय ही तुम इसकी आत्मा नहीं देख सकते। तुमने अभी तक अपनी आत्मा को ही नहीं देखा, तुम उसका मनोविज्ञान भी नहीं देख सकते, क्योंकि किसी का मन पढ़ना आसान काम नहीं है। तो तुमने इस महिला में क्या देखा? तुम्हारे शरीर विज्ञान में, तुम्हारे हार्मोन में कुछ ऐसा है जो इस महिला के शरीर विज्ञान की ओर, उसके हार्मोन की ओर, उसकी केमिस्ट्री की ओर आकर्षित हुआ है। ये प्रेम प्रसंग नहीं है, ये रासायनिक प्रसंग है। जरा सोचो, जिस महिला के प्रेम में तुम हो, वो यदि डॉक्टर के पास जाकर अपना सेक्स बदला कर ले और मूछे और दाढ़ी उगाने लगे, तो क्या तब भी तुम उससे प्रेम करोगे? कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ हार्मोन, सिर्फ तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? सिर्फ 1% लोग थोड़ी गहरी समझ लगते, कवि, चित्रकार, संगीतकार, गायक के पास एक संवेदनशीलता होती है जो शरीर के पार देख सकती है। वे मन की, हृदय की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद उस तल पर जीते हैं। इसे एक बुनियाद नियम की तरह याद रखो, तुम जहाँ भी रहते हो उसके पार नहीं देख सकते। यदि तुम अपने शरीर में जीते हो, स्वयं को सिर्फ शरीर मानते हो, तो तुम सिर्फ किसी के शरीर की ओर आकर्षित होगे। ये प्रेम का शारीरिक तल है, लेकिन संगीतकार, चित्रकार, कवि एक अलग तल पर जीता है। वह सोचता नहीं, वह महसूस करता, और चूंकि वह हृदय में जीता है, तो वह दूसरे व्यक्ति का हृदय महसूस कर सकता। सामान्यतः इसे प्रेम कहते। ये अद्भुत है, मैं कह रहा हूं, शायद केवल 1% कभी कभार सच्चा प्रेम में उतार पाता है।